in this module we will continue with the optical isomerism and optical activity as we have discussed in the last module with the d and small d and small l or dextrorotatory and levo levorotatory when equal amounts of dextrorotatory dextrorotatory kya tha jo jab mixture mein se plane polarized light pass hoti hai so अगर राइट पे रोटेट करती है तो डेक्सोटी कहलाता है और पॉजिटिव उसको हम शो करते हैं सिंबल से और अगर इसको स्मॉल डी से भी शो करते हैं लेकिन अगर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करेगा तो उसको नेगेटिव सिंबल से शो करेंगे और स्मॉल एल से भी शो करेंगे सो दिस स्मॉल डी एंड स्मॉल एल शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद दैपटल डी एंड कैपिटल एल विच इज द डी एंड एल आइसोमर तो ये वाले ऑप्टिकल आइसोमर जो हैं वो डी आइसोमर कहलाते हैं एल आइसोमर ड्यू टू तो डी लीवो एंड डेक्सो रोटेटरी और पॉजिटिव और, और नेगेटिवली सिम्बल जो हैं इसको डिनोट करते हैं लीवो रोटेटरी अगर एक मिक्सचर में इक्वल अमाउंट्स आर प्रजेंट ऑफ टेट्री एंड डेक्सोरेटेटरी मॉलिक्यूल्स तो उसकी नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई नहीं होगी सच मिक्सर्स आर कॉल्ड और सेट टू बी आ रेस्मिक एंड सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फॉर्म आ रेस्मिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेस रेजोल्यूशन रेस्मिक ग्रीक वर्ड है एंड रेसमस इज अ बंच ऑफ ग्रेप्स ये भी लोइस पास्चर ही उसके ऊपर काम कर रहा था तो वहीं से उसने उसको जिसमें इक्वल अमाउंट होता है मिक्सचर का जिसमें दोनों डेक्स्टोर लीवो इक्वल होती हैं उसको उसने रेसमिक मिक्सचर का नाम दिया एंड वी कैन सेपरेट दीज रेस्मिक मिक्सचर फ्रॉम रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन का एक तो तरीका ये है जिस तरह लोइस पास्चर ने किया था कि उसको ड्राई कर लें वेन वी ड्राई इट विल कन्वर्टेड इन टू द क्रिस्टल फॉर्म्स और उसकी डिफरेंट क्रिस्टल शेप्स जो हैं वो उसको रेजोल्यूट कर देंगी अलग अलग दोनों मिक्सचर को सेकेंड इज दैट वी पुट अ पर्टिकुलर एंजाइम विच विल एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर लिवोलोडेटरी और डेक्सोडेटरी एंड इट विल कन्वर्ट इन टू अ प्रोडक्ट सो एक तरह का सिर्फ उसमें रह जाएगा मॉलिकूल्स विच में डेक्सट्रो और लीवो रोटेटरी सो दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑल द मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन में क्यों नहीं है क्योंकि हमने बोला है पहले डिफाइन किया है कि ओनली जिसमें ए कारल एटम और एसमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं उसी के अंदर सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई भी कार्बन एटम एसमेट्रिक नहीं है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डाई हाइड्रोक्सी इसमें वी कैन सी दैट दिस कार्बन एटम नंबर वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिज थ्री इन तीनों में से कोई एक भी एसमेट्रिक और कारल सेंटर नहीं है कार्बन आइटम नंबर वन हैज़ टू डिफ सेम अटैचमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स सिमिलरली कार्बन आइटम टू हैज़ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन आइटम नंबर थ्री हैज़ अगेन टू डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन ऐटम सो देयर इज नो एसमेट्रिक कार्बन ऐटम तो एसमेट्रिक कार्बन ऐटम जिसमें होगा सिर्फ उसी के अंदर ही ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी देयर फॉर इन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन विच इज़ आ कीटो ट्राइज इट हैज़ नो ऑप्टिकल एक्टिविटी कीटो क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ये रेडिश कीटो ग्रुप अटैच है और ट्राइज इसलिए है कि इट हैज़ थ्री कार्बन ऐटम्स The simplest aldose, glyceraldehyde, which is a aldose sugar and isomer of dihydroxyacetone. It contains one chiral center, which is the middle carbon atom, and which is the one asymmetric carbon atom. And this me one asymmetric carbon atom. Hai, so it has two different optical isomers as we have discussed with the formula of 2 raised to the power n so in d glyceraldehyde and l glyceraldehyde we can see that this d glyceraldehyde has oh group or hydroxyl group on the right side of this carbon chain and it has a Right sided, or it may have a left sided rotation of a plane polarized light. Similarly, L glyceraldehyde has also a single OH group which is attached on the left side of the, this asymmetric carbon atom. So it has two different optical isomers.